पैरालिसिस का प्रॉब्लम है नेगेटिविटी के कारण, तो आप देख सकते हैं कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कितनी मतलब क्या स्थिति हो गई इनके शरीर के, हर एक स्किन की क्या हालत हो गई आप देख सकते हैं। और भैया कितना प्रेम पूर्वक और ईश्वरीय भावना रखते हुए इनकी समस्याओं का पूर्ण रूप से निवारण करते हुए, इनको तेल का लेपन करते हुए, जो अखंड ज्योत का तेल है, जो साक्षात श्रीदेव भगवान सभी देवी देवता इसमें विराजमान है इस अखंड ज्योत के तेल, और उनसे इनकी मालिश करते हुए ताकि इनकी जो भी समस्या है उनका पूर्ण रूप से निवारण हो। निकलता है आपको, कट पड़ते हैं, देख सकते हैं चल पा रहा है, हाँ उसकी वजह से चल नहीं पा रहे ना। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो प्रॉब्लम आपको है कितने समय से है? अभी 4 महीने से ज्यादा हुआ जी, पहले से कुछ भी नहीं था। तो कैसे ज्यादा हो जाता है, कब ज्यादा हो जाता है? जैसे कि आप कहीं पे जाते हो तब ज्यादा, शमशान घाट चला जाता हूँ उसके बाद में बीमार पड़ जाता हूँ जी। अच्छा, ये पैर सूज जाते हैं मेरे से। मतलब शमशान घाट जब जाते हो तभी ऐसा होता है? तभी ऐसा होता है, आपने रिलेट कर लिया है। पहले तो हल्का फुल्का रहता जी, तो पता नहीं लगता आदमी को खा पी रहा जी उसमें। अच्छा अच्छा, और जब मैं वहाँ चला जाता हूँ तो उसके बाद मेरे को दिक्कत बढ़ जाती है। तो आपने डॉक्टरों से भी दिखाया होगा ये? डॉक्टर को तो दिखाया जी। डॉक्टर क्या बता रहे थे, मतलब ये ठीक होगा कि क्या होगा? डॉक्टर तो बता ही नहीं सकते कि ठीक हो जाएगा, सोरासी से तो कहेंगे कहाँ ठीक होगा। दवा वगैरह भी चल रहा हो, खुद ही कह देते कहाँ ठीक होगा। हाँ ठीक, इसमें दवाई लिख देंगे जी कि खाते रहो जी। देख सकते हैं शरीर की क्या स्थिति है, दवाई खाई नहीं आपने? यही है ऐसी सेवा जो भैया से हम सभी को सीखना चाहिए कि हर व्यक्ति के अंदर अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को देखना चाहिए, और उनके जैसे एक भक्त अपने इष्ट की सेवा करता है वैसे ही आप हर व्यक्ति के अंदर जब अपने इष्ट को देखेंगे तो अपने आप उनके उनका सेवा आप एक अच्छे भक्त की तरह कर पाएंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। जय श्री, दवाई असर नहीं करती ना इसमें, तो आप देख सकते हैं। आपको क्या पता दवाई असर नहीं करती? आपको क्या पता दवाई असर नहीं करती? पता नहीं करती। दवाई ले रहे हो आप? ले तो रहे नहीं हो, असर कहाँ से करेगा? नहीं लेता हूँ दवाई। कौन कौन से डॉक्टर को दिखाया बताना जरा? डॉक्टर को तो वो देखा उसमें, रामलाल लोहिया हॉस्पिटल में दिखाया जी। डॉक्टर का नाम बताए? नहीं, उसका तो नाम नहीं पता ही। अपने डॉक्टरों के सब नाम जानते हैं? नहीं नाम तो नहीं पता, पर लेकिन दवाई मैं खाता हूँ, दिखा दूंगा आपको कल ला के जी। अभी तो कुछ गोली तो अभी ले रहा हूँ अभी हाथ में जी। तो इन गोलियों से क्या आराम पड़ता है? इसमें नींद की गोली है कोई? नींद की गोली भी देते हैं डॉक्टर इसमें? सिट्राजिन की। एलर्जिक? एलर्जी की गोली। और दर्द की एक सूजन की जी, कोई असर ही नहीं पड़ा, सूजन तो खत्म ही नहीं हुई, 8 महीने हो गए। अभी ज़्यादा काम कब से हो रहा है जी? ये अगस्त के बाद से ज़्यादा हो गया जी। तो अब की बार सबसे ज़्यादा हुआ? तो आप किसके साथ ऐसा गए थे वहाँ पे जब से ये बढ़ गया? मैं तो भाई के पड़ोस में था, भाई की घर वाली गुजर गई पड़ोस में, तब चला गया शमशान घाट, तब से दिक्कत हो गया जी। पैर ही सूज गया जी, मैंने कहा ये कैसे सूज गया था। फिर जब से दिक्कत ही कम नहीं हुआ, झाड़ा लगवाता रहा, ठीक होता है। दो दिन बेटे उतारा करो, ऊपर के कपड़े पहन लो, नीचे के मत पहनो। सर में है आपके? हाँ, गर्दन पे कान पे। कोई नहीं, मैं लगा देता हूँ। कर दे उनको पहनने दो। गया वो लड़का? वो हाँ, उसी टाइम चला गया था वो। फिर वो कुछ कुछ कह रहा था ना? मेरे से कुछ नहीं कह रहा था, बस ये बोला था, डर रहा था वो मेरे से, आपसे कि मैं जाऊँगा अपने गुरु जी मुझे भगाना दे। क्यों भगा दे? मतलब गुरु जी कुछ भी नहीं कहेंगे तुझे, सही बोले। यहाँ तो भाई कितना ही बड़ा पाप करके माफी मांग लो, भगवान का काम, भगवान कर, भगवान कर, भक्तों का काम ही शरणागति प्रदान कर रहा है। कर दे, वो बोलते ही मैं जब करवा लेता हूँ। हाँ क्या बोलते हैं? पितरों का पितर नाराजी, पितर ठीक है वो करा लेते, क्या करा करा के तो मैं थक गया फिर भी हो जाता है मेरे को ये। हाँ कोई नहीं, अब मेरे पास आओगे ना एक बार थोड़ा आराम पड़ने दो, जब मेरे पास आओगे ना तो दो चार बार में जैसे ही इसको आराम पड़ेगा फिर उसके बाद पूरी समस्या आपको आते रहना पड़ेगा, पूरी समस्या जड़ से खत्म कर देंगे ताकि आपके कुल में किसी को भी ना हो। आगे ना फिर कुल में किसी को भी नहीं होगी, इसके चांस तब तक रहते हैं जब तक वो दोष रहता है। आए ना समझ में? तो फिर किसी को भी हो सकती है। अभी तो हम मान लिया बच्चे ही हैं, मान लिया मैं ही आपका बेटा हूँ, अभी तो मैं आपको देख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मन में विषाद भी आ रहा है कि पापा को ये हो गया, चल नहीं पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, दुखी भी हो रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन आज मैं आपसे दुखी हूँ, कल को मैं खुद भी दुखी हो सकता हूँ क्योंकि दोष है,
और दोष के कारण अगर ये रोग है तो फिर उसका जाना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं गया तो ये आपको भी आ सकता है, आपके बेटे को भी, आपके पोते को भी, आपके पोत्र की बहू को भी। बेटे को भी रहता है थोड़ा बहुत एलर्जी। हाँ अच्छा, आपको पता है एक बात का कि ये सोराइसिस महिलाओं को कहाँ हो रहा है? कौन सी महिला आई है भैया आपके पास सोराइसिस वाले, बोलो। नहीं कोई नहीं है, एक भी महिला नहीं आई है अभी तक मेरे पास सोराइसिस की। कहाँ नहीं हो रहा भाई उनको? फिर उनको दूसरे तरीके के फोड़े फुंसी क्यों होते हैं? क्योंकि आदमी का कुल होता है उसी का गोत्र होता है उसी के पितर होते हैं। डॉक्टर इसमें क्या बताएगा बताओ? डॉक्टर को तो आज तक यही नहीं पता महिलाओं को क्यों नहीं हो रहा सोराइसिस। ये बात कौन गौर करेगा, ये बात कौन नोट करेगा? जो काम करता है उसको पता चलेगा, डॉक्टर को थोड़े ना पता है। डॉक्टर इसके पीछे कारण क्या बताएगा? शरीर तो दोनों का एक जैसा ही है, बस उसके गर्भाशय हमारे नहीं है इसलिए हमें उनको नहीं हो रहा। वो तो एलर्जी देखते हैं, कह रहे इलाज क्यों नहीं करा रहा, अपना दवाई खा इसका ऊपर। कौन देखते हैं? डॉक्टर जो देखेंगे वही इलाज कर इसका, दवाई खा। मैंने हाथ पे लगाया ना आपके यहाँ, लगा दिया था ना? कर दिया बेटे को 15 दिन पहले तो मैंने पितर को कराया था, फिर भी वो ऐसे भूल गए। हम देखें ना शांति आपके पितर, आप कुछ करा रहे हो पूरी दुनिया में। मनु भैया जो करेंगे वो अलग ही करेंगे, दुनिया में सबसे अलग करेंगे। मनु भैया ने पाया है कुछ तभी तो बांटेंगे, जिसने पाया नहीं है वो बांट रहा है, तो बांट क्या रहा है मुझे ये तो बता दो। नहीं तेरी झोली खाली है तू बांटेगा क्या? जिसकी झोली भरी हुई है वही तो बांटेगा थोड़ा बहुत। अब उधर से आके कर देना, करिए मतलब ना करूँ 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 करूँ। हो गया जी, बस हो गया।